हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः हाजिर हूँ आपकी सेवा में। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में कार्बन और उसके यौगिकों की शुरुआत की थी, कुल मिला के बात करें तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग उसके आगे पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। आइए उसके आगे की कहानी समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है, और इस चैनल पे मैं जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ही दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूँ। हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हमारे पास बड़ा टीवी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे हमारे वीडियोज़ को, लोगों तक पहुँचाएँगे और हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। आइए उसके आगे की कहानी को पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में? सर, एल्केन पढ़ लिया था, एल्केन पढ़ लिया था, जिसका फार्मूला था CnH2n+2। सर, दूसरा एल्कीन पढ़ लिया था, CnH2n। एल्काइन पढ़ लिया था सर, एल्काइन पढ़ लिया था, CnH2n-2। ये तीन चीज़ें जिसमें से ये संतृप्त था, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बाकी ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे। क्या इतने से ही केमिस्ट्री है? नहीं, हमें कुछ क्रियात्मक समूह भी पढ़ने पड़ेंगे। वो क्रियात्मक समूह क्या निकल के आएंगे? देखिए, क्रियात्मक समूह, सबसे इम्पॉर्टेंट क्रियात्मक समूह जो है भैया, वो है एल्किल। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री, पूरे हाइड्रोकार्बन में सबसे इम्पॉर्टेंट है एल्किल। ये जो एल्किल है ना, आप जब तक पढ़ेंगे तब तक ये आपका पिंड छोड़ने वाला नहीं है, नहीं छोड़ेगा। आइए देखते हैं एल्किल की कहानी क्या है। सर, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 है, अर्थात ये कह सकते हैं कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम और एल्कीन से एक हाइड्रोजन ज़्यादा। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है जबकि एल्कीन से एक हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। ये भी असंतृप्त है। अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, अगली क्लास में आपको इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, तब आपको लगेगा अरे सर, ये कहानी है, ऐसे बनते हैं हमारे यौगिक, पूरा यौगिक इसी पे बेस्ड है। आइए देखते हैं। हमने पहले जो क्लास की थी, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे रख दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता है। सर, एक नंबर के कार्बन को हम क्या कहते थे? एक नंबर के कार्बन को मेथ कहते थे, दो नंबर के कार्बन को सर एथ कहते थे, तीन नंबर के कार्बन को प्रोप कहते थे, चार नंबर के कार्बन को ब्यूट कहते थे सर, इसी तरह से पाँच नंबर के कार्बन को पेंट कहते थे, छः को हेक्स कहते थे, सात को हेप्ट कहते थे। मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत है ना, सच में बताना, कितनी खूबसूरत राइटिंग, कभी देखी थी पहले? नहीं देखी होगी। आठ पे आता है ऑक्ट। दरअसल पढ़ाते पढ़ाते इतना कन्फ्यूजन हो गया है राइटिंग को लेके, कि अब सिर्फ पढ़ाना याद रहता है, राइटिंग पे ध्यान ही नहीं जाता। किसी दिन खूबसूरत लिखूंगा, वैसे मेरी राइटिंग खूबसूरत है, बस पढ़ाने के जुनून में अच्छा नहीं लिख पाता, क्योंकि लगता है कि लोगों को कुछ टाइम ना ख़राब करके कुछ अच्छा दे सकूं। आइए, बिल्कुल सिंपल सा है, जिसने पहली क्लास की थी इससे पहले वाली, उसके लिए तो बिल्कुल हलवा होगा, जो अभी आया है बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, उसके लिए भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमारा सामान्य सूत्र क्या है भैया? CnH2n+1। हाइड्रोजन कहता है कार्बन से कि जितने भी तुम रहोगे उससे दो गुना से एक अधिक मैं रहूँगा। चलिए, कार्बन को एक रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? सर, 2×1+1 हो जाएगा। सर, n का मान एक रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक रख दिया, तो हो गया C1H2n2 2×3। अब दो रख के देखिए, तो 2×1 कर दीजिए, 2×4=1=5, 3 रख दीजिए, 3×2=6=7, 4 रख दीजिए, 4×2=8=1=9,
पाँच रख दीजिए, पाँच दुनी दस एक ग्यारह, छः रख दीजिए तो तेरह, और सात रख दिए तो पंद्रह। दो गुने से एक अधिक, दो था, दो दुनी चार एक पाँच, तीन दुनी छः एक सात, चार दुनी आठ एक नौ, पाँच दुनी दस एक ग्यारह, छः दुनी बारह एक तेरह, सात दुनी चौदह एक पंद्रह। नामकरण बिल्कुल आसान है, इसमें से तोड़ते हैं सर, एल्क प्लस इल, क्या मिला? इल, यही तो टाइटल लगानी है। कार्बन को देखा, एक है, कार्बन एक होने पे इसका नाम क्या है सर? मेथ है। कक्षा तीन में पढ़ाया जाता है सर, मेथ प्लस, इसका टाइटल लगाओ भैया, मेथ प्लस इल, क्या बनेगा? मेथिल। दूसरे का नाम सर, एथ प्लस इल, एथिल। इसी तरह से प्रोप प्लस इल सर, प्रोपिल। बिल्कुल आसान हो गया। चार नंबर पे ब्यूट प्लस इल, ब्यूटिल। पांच पे पेंट प्लस इल सर, पेंटिल। छह पे हेक्स प्लस इल सर, हेक्सिल। सात पे आप लोग बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सात पे क्या होगा। बहुत अच्छा, आइए, नाम आसान हो गया। मैंने सोचा था कि मैं इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन आज मेरा मूड कर रहा है कि मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको पढ़ा ही दूँ, आज ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि चीज़ें जितनी आसान होंगी जितनी जल्दी आप पढ़ लेंगे। एक रिदम बना हुआ है तो उसको हम फ्लो कर ही देते हैं, रिदम को तोड़ेंगे नहीं इसको। आइए, हो गया है, फिर से देख लेते हैं। कार्बन एक है भैया, इसका नाम है मेथ, मेथ में टाइटल क्या लग रही है? इल की, तो हो गया मेथिल। दो पे कार्बन का नाम है एथ, तो हो गया एथिल। तीन पे इसी तरह से प्रोप प्लस इल, प्रोपिल। चार पे ब्यूट प्लस इल, ब्यूटिल। पांच पे पेंट प्लस इल, पेंटिल। छह पे हेक्स प्लस इल, हेक्सिल। इसी तरह से हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, सब बन जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग इसके आगे कहानी बना लेंगे। आइए देखते हैं इसकी संरचना के बारे में, एक एक करके सबकी संरचना को हम लोग देखते हैं। दरअसल संरचना को समझने के लिए आपको वैलेंसी को समझना अत्यंत आवश्यक है। जिन लोगों को वैलेंसी पता है उनके लिए तो एकदम गोल्डन चांस है, जिनको नहीं पता है भैया उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, पिछली वीडियोस को देखना, नहीं तो मैं इस पे वैलेंसी पे एक नई वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि कार्बन की संयोजकता होती है चार। अब जिसकी जितनी संयोजकता होगी वो उतने बंध बनाएगा। हाइड्रोजन की होती है एक, तो हाइड्रोजन कितने बंध बनाएगा? एक बंध बनाएगा। गांव की भाषा में समझा दें आपको, सर हाइड्रोजन को चाहिए एक लाठी, कार्बन को चाहिए चार लाठी, वो सुधरेगा नहीं, खतरनाक बच्चा है। कार्बन को कितने चाहिए? चार। कार्बन को कितने चाहिए भाई? चार। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? सर एक। ये बंध है भाई, आइए पूरा करते हैं। पहले हम देखते हैं एल्केन की संरचना, एल्केन की संरचना बिल्कुल ही आसान है। हमारा एग्जाम्पल क्या था सर? CH4, इसका नाम था मेथेन। दूसरा है C2H6 एथेन। तीसरा लिया सर C3H8 प्रोपेन। चौथा है C4H10, इसका नाम हो गया सर ब्यूटेन। जो पिछली कक्षा नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझें, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, तो एन शब्द जो टाइटल था वो मेथ में जुड़ेगा, तो मेथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, ऐसे बनाएगा। दरअसल एल्केन होता है एकल बंध, एकल बंध, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक एक लाठी की जरूरत है उसको। तो इसमें कार्बन कार्बन से कितने लाठियों से जुड़ेगा? एक लाठी से, अर्थात एक बंध से जुड़ेगा। इसमें तो केवल एक कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है? एक। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है भैया? चार। लगा दीजिए चारों तरफ, चारों तरफ लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करनी है, वो चेक करनी क्या है?
क्योंकि अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्या हाइड्रोजन के चारों तरफ मिला के, चारों तरफ मिला के देख लीजिए, एक ही लाठी दिख रही है क्या? यानी कि एक ही बंद दिख रहा है क्या? इस हाइड्रोजन के चारों तरफ मिला के एक ही बंद दिख रहा है क्या? इस हाइड्रोजन के चारों तरफ मिला के एक बंद दिख रहा है, इस हाइड्रोजन के चारों तरफ मिला के एक बंद दिख रहा है, यानी कि हमारा सही है। कार्बन के चारों तरफ आप देख पा रहे हैं क्या? एक दो तीन चार, चारों तरफ मिला के चार, यानी कि हमारा संरचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको चाहिए था कार्बन के चारों तरफ मिला के चार और हाइड्रोजन के चारों तरफ मिला के एक। अब आइए दूसरा बनाते हैं। हमने कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, कार्बन को क्या किया, अब एथेन का बनाते हैं सर। कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, अब मुझे बताइए इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? सर एक तरफ तो लाइन बनी हुई है, बस तीन तरफ लाइन बनानी है, तो तीन तरफ लाइन बनाया और हाइड्रोजन जोड़ दिया। वैसे ही इस कार्बन को देख रहे हैं तो इसके एक तरफ तो लाइन बनी हुई है, इस तरफ लाइन बनाया, इस तरफ लाइन बनाया और इस तरफ लाइन बनाया। अब इसको आप जोड़ के देखिए, क्या C2H6 आ रहा है क्या? सर कार्बन एक एक दो है, हाइड्रोजन कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, देखिए आ गया ना अपने आप। इसी तरह से तीन वाला बनाएंगे, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, देखिए इसको कितना चाहिए सर? इसको चाहिए, स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर तीन, लगा दिया भाई, इसके तो दोनों तरफ है ना, अब इसको चाहिए दो, क्योंकि दो तरफ तो इसके पूरे भरे हुए हैं। इसको कितने चाहिए सर? तीन चाहिए, क्योंकि एक ही तरफ है। आइए काउंट कर लेते हैं सर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सी तीन पे क्या हो गया? H8 हो गया ना। कार्बन के चारों तरफ चार हैं, कार्बन के चारों तरफ चार हैं, इस कार्बन के चारों तरफ चार हैं, हाइड्रोजन सबके पास एक एक है, देखिए ऑटोमेटिक आ गया ना। इसी तरह से चौथा बनाएंगे, चार कार्बन को आपस में जोड़ दिया, कितने हो गए? इसको चाहिए सर तीन, इसको कितना चाहिए भैया? इसको दो तरफ तो भरा हुआ है, दो ही चाहिए, लगा दो, इसको भी दो ही चाहिए, लगा दो, इसको चाहिए सर तीन, जोड़ते हैं सर, चार चार आठ, एक नौ एक दस, C4 पे H10 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही दिशा में जा रहे हैं। अगर मज़ा आ रही है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हम आपसे कुछ और नहीं मांग रहे हैं, बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं आप लोग, आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है। YouTube पे कोई भी फ्री नहीं पढ़ाता, सब एप्लीकेशन बना के पढ़ाते हैं, लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि फ्री ही पढ़ाएंगे, कोई पेड चार्ज नहीं लगेगा, और YouTube पे आपको पूरा कवर करवाएंगे, और वो भी दो महीने के अंदर, दो महीने के अंदर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट को आपको पूरा कराएंगे। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है सर केमिस्ट्री, अभी दो चार दिन बाद फिजिक्स भी चलने लगेगा, फिर बायोलॉजी भी चलने लगेगी, इंग्लिश भी चलने लगेगी और मैथ भी चलने लगेगी। आइए, ये हो गया हमारा एल्केन। एल्केन में क्या होता है सर? एल्केन में एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आइए देखते हैं एल्कीन की क्या कंडीशन है। एल्कीन की कंडीशन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें क्या कर देना है, उसमें कर देना है डबल बॉन्ड, किन्हीं दो कार्बन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड लगा देना है। ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं दो कार्बन के बीच में एक बार ही आप प्रयोग कर सकते हैं डबल बॉन्ड। अब ये खुश हो के दो बार तीन बार मत यूज करिएगा कि सर कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड ही लगाएंगे, नहीं, एक बार ही लगानी है आपको। आइए देखते हैं दूसरा क्या भैया, एल्कीन फार्मूला क्या भैया, दो गुना, तो क्या बनेगा, ये होता है द्विबंध, द्विबंध इंग्लिश में कहते हैं डबल बॉन्ड,
किन्हीं दो कार्बन के बीच में एक बार द्विबंध का प्रयोग कर सकते हैं। एक रखेंगे तो सर दो हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिखाई कम दे रहा होगा, तो एक रखेंगे तो सर दो हो जाएगा, दो रखेंगे तो चार हो जाएगा, तीन रखेंगे तो छह हो जाएगा और चार रखेंगे तो आठ हो जाएगा। रूल वही है, कार्बन के चारों तरफ कुल मिला के कितने बॉन्ड, चार बॉन्ड, हाइड्रोजन के चारों तरफ मिला के कुल मिला के एक बॉन्ड। इसको देखते हैं, इसकी संरचना आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि कोई भी कार्बन उपलब्ध नहीं है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, आप इसे एक्सेप्शन अर्थात अपवाद समझिएगा। दूसरे को बनाते हैं, दो कार्बन है हमारे पास सर, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। अब इसको कितना चाहिए भैया, केवल दो चाहिए, लगा दो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। इसको कितना चाहिए सर, दो चाहिए एक हाइड्रोजन। देखिए कार्बन के चारों तरफ मिला के चार, इस कार्बन के चारों तरफ मिला के चार और सभी हाइड्रोजन के पास एक एक बॉन्ड है, बन क्या गया C2H4। संरचना बिल्कुल सिंपल सी। मजेदार बात यहाँ पे आएगी, जब हमारे पास तीन कार्बन हैं तो तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा। अब आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे या फिर यहाँ पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। चलिए हमने लगा दिया यहाँ पे। इसको कितने चाहिए सर, इसको चाहिए दो। इसको कितने चाहिए सर, सर देख रहे हैं दो एक तीन तो हो गया है, सर एक दे दीजिए। इसको कितने चाहिए सर, तीन। कार्बन की संख्या कितनी आई सर, एक दो तीन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई, दो एक तीन तीन छः। देखिए C3H6 बन गया कि नहीं बन गया। आप इसको यहाँ पे लगा के भी बना सकते थे, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ, आप अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा दूँ हमने क्या किया सर, इसको मिटा दिया, हमने लगा दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए तीन। इसको चाहिए सर एक, इसको चाहिए दो। काउंट कर लीजिए, इस कार्बन के चारों तरफ चार, इस कार्बन के चारों तरफ दो एक तीन एक चार, इसके चारों तरफ चार, हाइड्रोजन के चारों तरफ देख लीजिए एक एक है, ठीक है। तीन कार्बन और तीन एक चार दो छः हाइड्रोजन, कोई चेंजिंग नहीं हुई ना। इसको करते हैं, पहले चार कार्बन को जोड़ लिया, अब किसी एक जगह क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना। चलो मैंने लगा दिया इस बार यहाँ पे बीचों बीच। इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए सर तीन। इसको कितना चाहिए भैया, इसको चाहिए सर एक, क्योंकि दो इधर है एक इधर है, एक ये हो गया चार। इसके दो इधर हैं एक इधर है, एक चाहिए। इसको कितने चाहिए सर, तीन। देखिए चार इसका हो गया, चार इसका हो गया, चार इसके हो गए, चार इसके हो गए, बाकी हाइड्रोजन के एक एक हैं, हाइड्रोजन के एक एक ही हैं। चार कार्बन पे हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई सर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, मैंने कहा था बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है भाई। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारा उत्साहवर्धन करिएगा, आपके लिए इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास पहले से बता दिया है व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन आपसे प्रॉमिस किया है तो पढ़ाएंगे, बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आज लाइट भी कम है और इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं चल रही है, आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि अपना प्यार देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।